सिवनी में लखनादौन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय उइके के पक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जाकर योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को बताई जाए और यदि कोई व्यक्ति शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसका नाम लिखकर रखा जाए, जिससे कि चुनाव के बाद उन्हें इस कड़ी में जोड़ा जाए। आम सभा का संबोधन होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विजय उइके ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकाला। लखनादौन के मुख्य मार्गों से होते हुए सीधे जनपद पंचायत पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी विजय उइके ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। असली असली होता है, नकली नकली होता है। और इसलिए मैंने कमलनाथ जी को चुनावी हिंदू कहा है। छिंदवाड़ा की सीमा के भीतर वो हिंदू हैं और इन्होंने सिवनी जिले के साथ जो अन्याय किया है, सिवनी जिला उसे कभी भूल नहीं सकता। सिवनी को संभाग का जो अधिकार मिलना था, वो अधिकार छीनने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कमलनाथ है, कांग्रेस। ये रोड जो हमारे यहाँ से निकल रहा है, पैच से अटकाकर इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश करने वाले कोई व्यक्ति है तो उसका नाम कमलनाथ है। पैच का पानी हो या फिर हमारा दूसरा बांध जिससे बरघाट और सिवनी को पानी मिलना है, उसको रोकने वाला कोई व्यक्ति था तो वो भी कमलनाथ थी।